वापस सीधा ले चलते हैं भरतपुर के लोहागढ़ में, जहां पर सचिन पायलट जनता को संबोधित कर रहे हैं। अड्डे बनाए हो, ट्रेन चालू करी हो, कारखाने लगाए हो, निवेश किया हो, कॉलेज खोले हो, यूनिवर्सिटी खोली हो, भरतपुर को सौगात दी हो, यमुना का पानी लाए हो, 5 साल काम नहीं किया, वही वादे और वही भाषण जो 5 साल पहले मोदी साहब ने दिए थे आज दोबारा 5 साल के बाद दे रहे हैं। आज भी राजस्थान में आ रहे हैं, लगातार भाषण देकर पिछली सरकारों को कोस रहे हैं, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं है कि आपके 5 साल में महंगाई इतनी बढ़ गई कि गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पदों पर बैठे हैं, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, क्या भाषण दिया योगी साहब ने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं अली या बजरंग बली दे रहे हैं, वो सड़क की, दवाई की, किताब की, शिक्षा की, चिकित्सा की कोई चर्चा। सचिन पायलट वहां पर संबोधित कर रहे हैं, जिस तरह से हम आपको सीधे वहां से दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें भरतपुर के लोहागढ़ से, लगातार सचिन पायलट वहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि भरतपुर को पीएम मोदी ने कोई सौगात नहीं दी है, कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया जिले संभाग से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं आप लोगों को, और हमारी पार्टी ने भी आप लोगों के मान सम्मान को बरकरार रखा। आज जिले से 3-3 मंत्री हमारी सरकार में काम कर रहे हैं, अब आप कड़ी से कड़ी जोड़ो, कांग्रेस का सांसद बनाओ, ताकि 23 तारीख को जब परिणाम आए तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार इस देश में आए, और फिर हम लोग मिलकर आगे वाले समय में पूरे देश और राजस्थान का भला करने के लिए काम करेंगे। मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, ये भविष्य आपका है, अगले 5 साल लगातार सचिन पायलट हैं वहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं, और लगातार 5 साल का हिसाब भाजपा सरकार से मांग रहे हैं, और पीएम मोदी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। बीच में आए हैं आप लोगों से आह्वान करने के लिए कि ये चुनौती है, ये एक अवसर हमारे सामने है कि कैसे हम उन ताकतों भाई को भाई से लड़ाता है जो जाति समाज धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं। आज हमको आपको मिलकर अपना भविष्य सुधारने के लिए कांग्रेस को जिताना है, और राहुल गांधी जी ने पिछले सालों में मोदी साहब की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर हो, किसान के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, तमाम ऐसे कदम जो मोदी साहब की सरकार ने उठाए उसको चुनौती देने का काम राहुल जी ने किया है। आज उनके आगमन पर अगर आप सचमुच हमारी बात को सुनते हो, हमारा मान सम्मान करते हो, तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं, ताकि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बन सके। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आप लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आपको ईश्वर तरक्की के रास्ते पर लेकर जाए, और आप लोग हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, और जोरदार नारा दो मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी। अरे जोरदार नारा बोलना है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, गिरिराज महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।